डायमंड इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन, और कार्बन पे टेट्रा कोवैलेंसी होता है। मींस एवरी कार्बन एटम पे आपको क्या कंप्लीट करना है, इसकी टेट्रा कोवैलेंसी को कंप्लीट कर लेना है। यहां पे भी बच्चों टेट्रा कोवैलेंसी आपको बनाना है, यहां पे टेट्रा कोवैलेंसी आपको बनाना है। देखो एवरी कार्बन एटम पे क्या करना है आपको, टेट्रा कोवैलेंसी बना लेना है। तो थोड़ी देर में आपको कैसा दिखेगा, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स दिखने लगेगा। इसीलिए बोला जाता है डायमंड के स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, 3D गेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। यहाँ पे कितने स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा कितना है बच्चों, 4। यानी 4 अगर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसके दो कार्बन एटम के बीच का डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 154 pm होता है। अब एक कार्बन पे कितने नेबर्स हैं, टोटल 4 है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ नेबर्स एटम, तो कितना होगा बच्चों, 4 होगा।